भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अदार पूनावाला भारत छोड़कर ब्रिटेन जा चुके हैं। वहां उन्होंने द टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कुछ चौंकाने वाली जानकारी दी है। अदार पूनावाला ने कहा है कि उन पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी दबाव है। भारत में कोरोना के संक्रमण की वजह से जो बुरे हालात बन पड़े हैं, उसके बाद उन्हें कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कई पावरफुल लोगों के फोन उनके पास आ रहे हैं। सारे लोग वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर इतनी भारी डिमांड आने से वो प्रेशर में आ गए हैं। टाइम्स को उन्होंने बताया है कि सीएम से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक के फोन उनके पास आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि फोन पर उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। पिछले हफ्ते ही सरकार ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वाई कैटेगरी की प्रोटेक्शन दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से देश में जो हालात बन पड़े हैं, उसमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर खासा दबाव है। कहा जा रहा है कि हालात को देखते हुए अदार पूनावाला ने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का फैसला किया है। वो ब्रिटेन में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं। अदार पूनावाला ने इंटरव्यू में कहा है कि उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। इधर सोशल मीडिया पर अदार पूनावाला को लेकर एक अलग ही बहस चल पड़ी है। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं कि अदार पूनावाला ब्रिटेन भाग गए हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि फोन कॉल्स पर धमकी मिलने की वजह से उन्होंने दो दिन पहले भारत छोड़ दिया है। कुछ लोग इस बात की चिंता जता रहे हैं कि अदार के नहीं रहने पर सीरम इंस्टीट्यूट और कोविशील्ड वैक्सीन का क्या होगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर करते हुए लिखा है कि सरकार ऐसी स्थिति में सीरम इंस्टीट्यूट को अपने कब्जे में ले सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भारत समेत 68 देशों में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। द टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अदार पूनावाला ने कहा है कि हमें जितनी भी मदद मिल रही है वो कम है। उन्होंने कहा है कि भगवान भी नहीं जानते थे कि इतना बुरा हाल होने वाला है। वैक्सीन की कीमत को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं। ये अभी तक की सबसे अच्छी और सही कीमत पर मिलने वाली वैक्सीन है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? TV9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।